अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह का टाइम है और बज रहे हैं 7:30। मैं ऑफिस में आ गई हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि अचानक से प्लान बन गई कि हम लोगों को आजमगढ़ जाना है किसी काम से, तो बस हम लोग ऑल सेट हैं आजमगढ़ जाने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग किस गाड़ी से जा रहे हैं। पहले ये था कि हम लोग इस गाड़ी से जाएंगे, बट अभी उसके बाद क्या डिसाइड हुआ कि हम लोग इस गाड़ी से जाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं मैथ्स की क्यूज लिखे हुए हैं, क्योंकि सर मैथ्स के टीचर हैं, जोशी सर। ये हम लोग चढ़ गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, नया बना हुआ है, काफी खूबसूरत है। हम लोग पहुंच गए ये हेरा पब्लिक स्कूल। हम लोग फाइनली पहुंच गए, गाड़ी हमारी पार्क में लग रही है, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। ये हेरा पब्लिक स्कूल है आजमगढ़ का, सो वी आर गोइंग टू इंटर। ये जोशी सर हैं, अब बता रहे हैं अब हम लोग जाएंगे। कैसा लग रहा है आजमगढ़ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, 3 घंटे की हम लोग 3 घंटे की नॉन स्टॉप ड्राइविंग करके तो अब हम लोग स्कूल में एंट्री ले रहे हैं। स्कूल में जाके दिखाते हैं, ठीक है। ये इन लोगों का ग्राउंड, काफी अच्छा स्कूल है। ये पूरा मॉमडन का स्कूल है। ऊपर जाना, इसके ऊपर जाना है नहीं, ये ठीक है। हम लोगों का नाश्ता वगैरह हो गया यहाँ पे, ठीक है, चाय पी लिया हम लोगों ने। अब हम जा रहे हैं नीचे, सर जाने वाले हैं स्टेज। एग्जाम एंड आर नाउ वर्किंग एज IASers, प्रोग्रामर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड मेनी मोर। सो नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, नीचे हम लोग चले जाएंगे। ये किचन आप लोगों का? किचन नहीं, वहाँ पे मेहमान आते हैं, यहाँ पर सारा सामान इन्हीं। अच्छा अच्छा, ओके। ये किचन नहीं है यहाँ पे इन लोगों का, मतलब सामान वगैरह जो भी मेहमान कर। स्कूल बहुत अच्छा है, अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा स्कूल का टूर करने, पूरा स्कूल देख लिया। पता नहीं आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हेलो आवाज आ रही है। स्कूल के बाहर का ये लोकेशन पूरा खूबसूरत है सर, वैसे प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये पूरा स्कूल का कैंपस आप देखिए, बड़ा बना रखा है यार, पैसे वाले पैसे पैसे। यार मेरा बहुत मन था कि मैं बच्चों के साथ फोटो लूँ अपना, मतलब लेकिन सारे बच्चे चले गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार, बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग करना थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था, बट जितना हो पाया उतना मैंने किया है, ठीक है। तो मैं आगे दिखाऊंगी क्या है ये स्कूल का कैंपस। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद देखते हैं कितने टाइम में घर पहुँचते हैं। जो फाउंडर हैं उनसे मिलाती हूँ। ये देखिए महमूद अज़ाम, ग्रेजुएट इलाहाबाद से इन्होंने किया है, एंड हेरा पब्लिक स्कूल ही इन्हीं का है। ये है हॉल जिसमें अभी हुआ था वर्कशॉप। अभी ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब 12:30 बजने वाला है, हाँ 12:30 हो गया, और हम लोग को भूख लगी बहुत ज़ोरों से। तो अब देखते हैं कि क्या खाने में क्या है, या तो यहाँ पर शायद कुछ इन लोगों ने किया हुआ है लंच वगैरह के लिए, तो खा लेते हम लोग, नहीं तो फिर रास्ते में ही कहीं ढाबा वगैरह पे हम लोग खाएंगे। वैसे प्रॉब्लम क्या हुई पता है, ढाबा
जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है वहाँ पे बीच में एक भी ढाबा ही नहीं पड़ा, कुछ भी, कोई रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं पड़ा। तो हम लोग नॉन स्टॉप बस 3 घंटे की पूरी ट्रैवल करके हम यहाँ पे पहुँचे। तो भूख लगी, पेट में चूहे कूद रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर, हो सकता है लंच करें, उसके बाद निकलेंगे। ये मुश्ताक आजमी, ये एक बहुत ही बड़े शायर हैं। हाँ बस एक शायरी, कुछ नहीं। हाँ हाँ, एक शेर है वो जो है कुछ लोग कहते हैं काफी मशहूर है, गहरा शेर है कि रोकना है तो समुंदर ही मुझे रोकेगा, रोकना है तो समुंदर ही मुझे रोकेगा, आग का रास्ता जंगल नहीं रोकता। जी रोकना है, बिल्कुल रोकना है तो समुंदर ही मुझे रोकेगा, आग का रास्ता जंगल नहीं। बहुत बढ़िया, रास्ता जंगल, ठीक है सर। अब हम लोग जा रहे हैं वापस, गाड़ी हमारी उधर खड़ी है, देखते हैं मैं इस रास्ते से जाऊंगी। अभी हाईवे के साइड में एक छोटा सा रेस्टोरेंट पड़ा है, वहां पे हम लोग रुके हैं कुछ चाय वगैरह पीने के लिए, तो देखते हैं क्या मिल जाता है। तो हम लोगों को बढ़िया सी चाय मिली, बढ़िया सी, तो सर को बढ़िया सी चाय पी एकदम बढ़िया, अच्छी सी चाय दे दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, अच्छी चाय बना के दीजिए। दोस्तों ये देखिए हमारी चाय बन रही है, ये चाय पत्ती डाला है हमने, ठीक है। मोहित तुम चाय तो मोहित कर लोगे, देख रहा हूँ मोह लोगे चाय। ये अब मैं दिखाती हूँ यहाँ का लोकेशन दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे मतलब आजमगढ़ किसी गांव साइड, गांव नहीं बोल सकता, मतलब हाईवे वगैरह के साइड में जो होता है ये एरिया, ये सब कितना सही होता है ना, फील्ड, पेड़ पौधे के, मतलब बिल्कुल सुकून। मेरा दिन तो बहुत अच्छा गया आज, बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे इतने सारे बच्चे, बस मेरा यार बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचवाना था, फ़ोटो नहीं मैं ले पाई, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि मैं फ़ोटो भी ले लूँ। और फिर वहाँ पे सर का जो लेक्चर, सर की स्पीच वो भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद हमने लंच किया, लंच ठीक था। उसके बाद फिर हम लोग अच्छे से चाय पियेंगे, उसके बाद नॉन स्टॉप गाड़ी चलेगी, फिर हम लोग लखनऊ पहुँच जाएंगे। आज सर का बर्थडे भी है, तो केक तो मैंने रात में काट लिया था, क्योंकि आज इलेक्शन है तो आज कोई दुकान खुली नहीं होगी, केक मिलने वाला नहीं है, इसलिए मैंने कल ही काट लिया था। तो देखते हैं क्या हो सकता है, मैं वो करने की कोशिश करूँगी। हम लोग की चाय पार्टी हो गई, अब हम लोग जा रहे हैं लखनऊ। चुकी हूँ, आज बहुत ज्यादा हेक्टिक दिन था, मतलब अभी जस्ट टाइम देखिए 5 बजने वाला है, मतलब 5 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचा है, मतलब सुबह 7 बजे का घर से निकले हम लोग और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5, तो आज का पूरा दिन तो ऐसे ही गया, लेकिन हाँ मजा भी बहुत आया, अच्छा लगा। हर्ष ने आधे से ज्यादा केक खा लिया है, थोड़ा सा खा लेती हूँ।